रुड़की से है। रुड़की नगर निगम चुनाव का प्रचार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि भाजपा को अपने मेयर प्रत्याशी मयंक गुप्ता को जिताने के लिए एडी से चोटी तक के जोर लगाने पड़ रहे हैं। भाजपा ने पंजाबी समाज को एकजुट करने के लिए देहरादून से भाजपा विधायक हरबंस कपूर और रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा को लगाया है। शहर के एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने कहा कि पंजाबी समाज एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी को जिताएगा। उन्होंने कहा कि आज भी रुड़की शहर में सीवरेज की समस्या बनी हुई है। रुड़की का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। शहर में आज भी ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है। हर योजना को लागू करने के लिए नियम नगर निगम की अनुमति अवश्य लेनी पड़ती है। हरबंस कपूर ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो रुड़की के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू करेगी। हरबंस कपूर ने कहा कि अभी रुड़की में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान जल्दी हो जाएगा। इसके लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इस शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। इस मौके पर प्रदीप बत्रा ने कहा कि चुनाव का माहौल ऐसे है, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी मयंक गुप्ता की जीत निश्चित है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं और उस समय ये क्यों जरूरी है रुड़की के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीत कर आए, इस संदर्भ में जीत की गई और इसमें मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है। अगर रुड़की का विकास चाहिए सबको और रुड़की में बहुत ही जागरूक मतदाता हैं, वो अपना हित भली भांति जानते हैं कि उनका हित किसके साथ है, पार्टी का हित किसके साथ है और नगर का हित किसके साथ है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करते हुए मतदाता निश्चित रूप से पार्टी के साथ है और पार्टी को अपना समर्थन देगा, ये तो आप जानते हैं। परंतु मेरा मानना है कि सभी लोग जानते हैं कि रुड़की का अगर विकास चाहिए, यहाँ की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो ऐसे दल की आवश्यकता है, ऐसी पार्टी की, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जिनका एक और जनता के साथ जुड़ाव हो और दूसरी ओर सरकारों के साथ जुड़ाव हो, क्योंकि हमारे विकास के साधन वहीं से उपलब्ध होंगे। और जब तक तालमेल नहीं होगा, मैंने बताया मुझे 4 करोड़ रुपया विधायक निधि के रूप में मिलता है और मुझे उसका खर्च करना है, तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के विकास के लिए उसे खर्च करना है। और जब तक मुझे नगर निगम से अनुमति नहीं मिलती किसी काम करने की, तो मैं उसे नहीं कर सकता। कहीं सड़क बननी है, कहीं नाली बननी है, तो निश्चित रूप से नाली बननी है, वो नाली प्रदेश सरकार की नहीं है, वो नाली नगर निगम की है। और नगर निगम जब तक उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देगा, तो वो नाली नहीं बन सकती है। कि जहाँ संसाधनों की बात है, क्योंकि जितने भी नगर निकाय हैं वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संसाधनों पर निर्भर हैं, और दूसरी ओर प्रदेश सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं अगर निकाय नगर निकाय क्षेत्र में होनी है, उनका क्रियान्वयन होना है, उसका भी तालमेल नगर निकाय से होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मतदाता इस बात को भी समझेंगे, संसाधनों की बात को भी समझेंगे, और दूसरा विकास की जो आवश्यकता है उसके भी समझेंगे। उसके साथ साथ मयंक गुप्ता अपने आप में इतने सक्षम व्यक्ति हैं जो जिनका प्रदेश सरकार से भी तालमेल बहुत अच्छा है, केंद्र सरकार से भी तालमेल बहुत अच्छा है, योजना लाने में भी सफल होंगे और उनका क्रियान्वयन कराने में भी सफल होंगे। कि जो पार्षदों के रूप में हम मेयर को अपने समर्थन दें, मेयर प्रत्याशी के